ये टाटा 8x8 का फ्यूल सिस्टम का पाइपलाइन है जो आप बता रहे हैं। ये हो गया 400 लीटर का फ्यूल टैंक। यहाँ से जो कनेक्शन जा रहा है ना, ये तीन कनेक्शन है यहाँ से, ठीक है। ये मेन वाला कनेक्शन है, ये सबसे पहले जाएगा वाटर सेपरेटर में, और ये इंजेक्टर से ओवरफ्लो का रिटर्न आता है, सो है। और ये वाला ये पाइप से रिटर्न आता है ना, ओवरफ्लो का रिटर्न आता है, वो वाला है। और आगे दिखाता हूँ मोटर वाली है। ये हम आ चुके हैं वाटर सेपरेटर के पास। ये वाटर सेपरेटर है, प्राइमरी मोटर, एनआरडी बॉल, फ्यूल फिल्टर, ठीक है। सबसे पहले ये तीन पाइपलाइन आया है फ्यूल टैंक से। जो ये वाली पाइपलाइन है ऊपर वाली था मेन वाली, ये वाटर सेपरेटर में आया है। वाटर सेपरेटर से इन होगा, आउट हो, ये तो इन हो गया, ये आउट हो रहा है। ये मोटर का, तो जब मोटर ऑन करते हैं ना, तो डीजल इस पाइपलाइन से सक्शन करता है और यहाँ से ये पाइपी का फीड पंप में भेजता है। यहाँ से जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो एनआरडी वाल्व ओपन हो जाता है, फिर डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट डीजल आना शुरू कर देता है, मिलना शुरू करता है फीड पंप को, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाटर स्प्रेटर से मोटर सक्शन किया, ये फीड पंप में गया, फीड पंप से आउट होकर जब वापस आता है ना, तो आता है यहाँ फ्यूल फिल्टर में, और फ्यूल फिल्टर से फिल्टर होके डीजल को फिर FIP के मेन गैलरी में जाता है। इस पाइपलाइन से, इस पाइपलाइन में से डीजल जाता है FIP के मेन गैलरी में, FIP के, ठीक है। और आगे दिखाते हैं पांच जो पाइपलाइन है उसके बारे में दिखाता हूँ आगे जाके। अभी ये आ चुके हैं इंजन के पास, ठीक है। इंजन के पास जो फ्यूल फिल्टर से पाइप लाइन में फीड पंप में जाता है, वो कहाँ पे कनेक्शन कैसे कैसे जाता है सो बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये जा रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, ऑयल कूलर से पाइप आता है ना FIP में, उसके लिए है। तो यहाँ चलते हैं एक नंबर, ये एक नंबर फ्यूल फिल्टर वाटर सेपरेटर से, वाटर सेपरेटर से जो फीड पंप में जा रहा है, जो ये एक नंबर जा रहा है वाटर सेपरेटर से फीड पंप में, और फीड पंप से आउट कर रहा है, तो ये दो नंबर हैं, ठीक है। फीड पंप से आउट करके दो नंबर कहाँ जा रहा है, फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल फिल्टर से में इन होगा, और फ्यूल फिल्टर से आउट होगा, जो ये तीन नंबर है, जो FIP का मेन गैलरी में जाता है डीजल, ठीक है। और ये चार नंबर, चार नंबर किसकी है, ये FIP का ओवरफ्लो है ना, FIP का ओवरफ्लो से रिटर्न आता है, ओवरफ्लो ज़्यादा होता है तो वहाँ से डीजल रिटर्न आके फ्यूल टैंक में चल जाएगा। अगर फ्यूल टैंक में भी जाता है, अगर फ्यूल टैंक में नहीं भेज रहे हो, तो आगे कैबिन हीटर का है ना, कैबिन हीटर में ये चला जाता है, कैबिन हीटर से भी रिटर्न आके फ्यूल टैंक में जाता है। और ये वाला चार नंबर को दिखाई दे रहा है ऊपर, ये इंजेक्टर से ओवरफ्लो होकर जाता है पतली वाली पाइपलाइन, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये तीनों पाइप है ना मोटी वाली, एक तो हो गया इनका फीड पंप में, फीड पंप से दो नंबर आउट का, और ये तीन नंबर इधर मोटी वाली हो गई है, ये मोटी वाली तीन नंबर, ये वाली है ना मोटी वाली तीन नंबर, मतलब कि दोनों तीनों एक साइड के पाइप है, एक दो और ये एक तीन, ये तीन नंबर है जो जाता है फिर FIP का मेन गैलरी में, जो मेन गैलरी में जाता है ना वो ये वाला पाइप है, यहाँ से मेन गैलरी में जाता है FIP का, और जो यहाँ वाली है ओवरफ्लो का है, ये FIP का ओवरफ्लो, जो पतली वाली दो पाइप आ गया, ये वाली है ओवरफ्लो के लिए है, ये इंजेक्टर से ओवर फ्लो का पाइप लाइन है जो डायरेक्ट टैंक में जाता है। इसमें दो हो गया, एक तो हीटर टैंक से ओवर फ्लो का पाइप लाइन टैंक डीजल टैंक में चला जाता है, एक इंजेक्टर का ओवर फ्लो का पाइप लाइन कहाँ जाता है, फ्यूल टैंक में चला जाता है। ये है फ्यूल सिस्टम। Thank you.
थैंक यू गाइज़।